वेलकम बैक यूनिक फिश। तो गाइस आज हम अपनी एलिगेटर गार को और सकर किट फिश को फीडिंग करवाना है। तो हमने देखा हमारी सकर किट फिश की डेट हो चुकी है। तो गाइस हमने सोचा इसकी जान बचाने की एक बार कोशिश करी जाए। तो हमने एक पोलोथीन ले ली और हमने अपनी सकर किट फिश को टैंक में से निकाल के एक पोलोथीन के अंदर डाल दिया। उसको ऑक्सीजन दे दिया है हमने थोड़ा, और हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद इसको थोड़ा सा कुछ फर्क पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा है। तो हमने हमारी पन्नी के अंदर ऑक्सीजन भर दिया है और हम इसके ऊपर एक रबड़ बैंड से हम अपनी पन्नी को बांध देंगे और थोड़े टाइम के लिए हम इसको रख देंगे, जिससे हम देखेंगे हमारी सकर किट फिश को कुछ फर्क पड़ रहा है क्या नहीं। अभी तो हमारी सकर किट फिश पूरी उल्टी लेट हुई है। तो हमारी सकर किट फिश को 7-8 मिनट हो चुके हैं पन्नी के अंदर और वो अभी भी उल्टी लेट हुई है। 8-1 मिनट के बाद रिजल्ट आ गया, हमारी सकर किट फिश वापस से जिंदा हो गई और एकदम सीधी हो गई और थोड़ा तैर भी रही है। तो गाइस हम इसको अभी थोड़ी देर और पोलोथीन के अंदर रखेंगे जब तक हम अपने एलिगेटर गार का टैंक साफ कर लेते हैं। तो आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और लाइक कर दें। तो चलिए गाइस हम अपनी एलिगेटर गार के टैंक को साफ कर लेते हैं अपना। तो फ्रेंड एलिगेटर गार के टैंक को साफ करने के लिए हमको एक पाइप लगेगा और एक स्पंज लगेगा और अपन को इसके अंदर कुछ भी सर्फ साबुन नहीं डालना है, वरना से अपनी एलिगेटर गार की डेट भी हो सकती है। सिर्फ आपको एकदम इसको सिंपल साफ करना है, इसके अंदर कुछ भी आपको लिक्विड विक्विड नहीं डालना है जिससे आपकी मछली को नुकसान हो जाए।
तो गाइस हमारे एलिगेटर गार के टैंक को हमने साफ कर लिया है और अपने टैंक को भर भी लिया है। तो गाइस आप कमेंट करके बताना आपको हमारे एलिगेटर गार के टैंक कैसा लग रहा है। तो हम थोड़ा सा बाहर से भी इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, फिर वापस हम अपनी सकर के फिश को इसके अंदर रिलीज करेंगे। तो हमारा एलिगेटर गार के टैंक एकदम कंप्लीट हो गया है, तो अब हम सकर किट इसके अंदर छोड़ेंगे। तो गाइस हमने अपनी सकर किट को भी छोड़ दिया है हमारे टैंक के अंदर।